रतन टाटा का निधन, भारत ने एक महान उद्योगपति को खोया। डॉक्टर संजीव कुमार भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। 85 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का निधन एक युग का अंत है जिसने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उद्योग और सामाजिक कल्याण में अद्वितीय योगदान दिया। रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके नेतृत्व में समूह ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया जिनमें टाटा नैनो, टाटा स्टील और टाटा मोटर शामिल हैं। उनकी दूरदर्शिता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। उनकी विनम्रता और सरलता ने उन्हें आम जनता के बीच भी एक विशेष स्थान दिलाया। रतन टाटा ने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया और शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कई पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रतन टाटा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनकी याद में देश भर में शोक का माहौल है और लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत ने एक महान आत्मा को खो दिया है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।